Once again, welcome back. Khush aamdeed wali kar taan sabni ke Salam Ramzan ji transmission hai. Salam Ramzan ji transmission mein sabka pehri tekdo nando elan hai, tekdo nando bar hai. Bakht Ali Bhatti Ghotki ma, Khanpur Mahar ma. Vadua tab dekha rahe ho? Kedwa? Aa tum kare da Bakht Ali Bhatti saab kedwa? Bakht Ali saab. Hasan Goli. Wow, Subhan Allah, aite vyares. Vehi raho sahi, vehi raho. अच्छा जी बख्त अली साहब अची चुका है अच्छा बख्त अली भट्टी साहब ता इते बियो ए इते बियो अच्छा उन सा गरु गर इन अधिक जंगे सा घुरायवा असा घुरायवा बल्कि साई जन आया बाइन पान इन जा बई गुर्दा फेल है आई भा के ट्रांसप्लांट जी जरूरत आ सख्त जरूरत आ ठीक है जी उन ला खर्च अथस 25 का 30 लाख रुपया आई सईद किडनी सेंटर रावलपिंडी इस्लामाबाद में इन जो खर्चा सो माइक खणी मां वञा थो देव अच्छा मां इहा सिर्फ़ अनाउंसमेंट इन जे करे त जेतिरा बि साहिब आल या जेतिरी फैमिली ॾिसनि पियूं सो जेकॾहिं पंहिंजी दिली तौर ते तव्हां ताउन करणु चाहियो था दिलि खोले तव्हां ताउन करे सघो था हिन महीने में ज़कवात हूंदी आहे ऐं ज़कवात खे छॾे करे जेकॾहिं इंसान जे नाते सां सिर्फ़ु ॿिनि मिंटनि लाइ इहो सोचे वठो त हिन नौजवान जी ज़िंदगीअ जो सुवालु आहे हिन नौजवान जी ज़िंदगी जेकॾहिं 25 खां 30 लख रुपए में बची सघे थी त शायदि असीं जेकॾहिं हिकु राति वेही इहो सोचूं ऐं गॾिजी पऊं त उहो 100-100 रुपया 50-50 रुपया बि जेकॾहिं कंदासीं ऐं कंहिं ज़िमेदारी खणे त 25 खां 30 लख रुपया को वॾो अमाउंट आहे ऐं किडनी जॾहिं फेल थी वेंदियूं आहिनि त उनखां पोइ उनखे ज़रूरत हूंदी आहे मुंहिंजे ख़्याल में घणी ट्रीटमेंट पई थिए माइक में ॻाल्हायूं डायलिसिस जी ज़रूरत हूंदी आहे किथां पिया ट्रीटमेंट करायो तव्हां माइक मथे कयो माइक मथे कयो था हलो जी जी हिन टाइम ते मुंहिंजी ट्रीटमेंट त एस आई टी मां थिए पई मगर ट्रांसप्लांट जे लाइ इस्लामाबाद वञिणो पवंदो ट्रांसप्लांट एस आई टी मां छो न पिया करायो हुनजी वजह आहे त मुंहिंजो उहो वठंदा आहिनि पंहिंजा ब्लड डोनर मां सॼनि खानदान चेक करायो कंहिंजो ब्लड लॻे ई कोन थो मुंहिंजो रिकॉर्ड मूं वटि आहे ऐं जेके जेको हीउ तव्हां सेंटर लिखियो आहे अल सईद किडनी सिंध रावलपिंडी में ख़ैर मां पाण ॾिसी पियो इहे डोनर इहे अरेंज करे था ॾियनि इहे लॻाइनि था किडनी अरेंज बि करे था ॾियनि लॻाइनि बि था या कंहिं खानदान खे राज़ी करे पोइ उन ते लॻाए था वठनि उहो लॻाईंदा आहिनि सही उन्हनि जो इहो ख़र्चु आहे 25 खां 30 लख रुपया उन्हनि ॿुधायो जी साईं त डॉक्टर अदीब रज़ी सां तव्हांजी मुलाक़ात थी आहे जी साईं थी डॉक्टर साहिबु तव्हांखे इजाज़त ॾिनी आहे तव्हां वञी उतां करायो हुन चयो असां कोशिशि कयूं था तुंहिंजे कंहिं बि ब्लड डोनर जो लॻी वञे मां पूरे खानदान खे करायो हिनखे 2.5 खां 3 साल थिया आहिनि हींअर मुंहिंजी कंडीशन इहा आहे की मां उथणु वेहण सां सफ़ा बाज़ुक थी वियां न घुमी सघां थो न खाई सघां थो न उथी वेही सघां थो सफ़ा हालत ख़राबु आहे हाणे हिन करे चयो थो किथां पिराइट कराए पंहिंजी जान असल किथां जायो तव्हां घोटकी खानपुर मां जायो घोटकी खानपुर महर ऐं खानपुर महर जा सरदार आहिनि महर उहे एम पी ए बि आहिनि एम एन ए बि आहिनि अली गौर ख़ान महर ऐं अली मोहम्मद ख़ान महर एक्स सी एम सिंध 25-30 लख हुन लाइ कहिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे हुनजी गाॾियुनि जी टायर जी क़ीमत ख़बर आहे तव्हांखे घणी आहे उनजे बंगले में जेके दरवाज़ा लॻियल आहिनि ख़बर हुनजी क़ीमत केतिरी आहे कॾहिं वञणु न थियो पर मां तव्हांखे ॿुधाईंदो बिलियंस डॉलर्स में हुनजा बंगला ठहियल आहिनि ऐं जेके हुनजा शौक़ु आहिनि ऐं रॉयल फैमिली आहे ऐं अलाह सां अञा वधीक ॾिए पर जेकॾहिं खानपुर महर जो हिकिड़ो नौजवान अव्हांजे थोरे ताउन जे करे थोरे ताउन जो तलबगार आहे हीअ 25-30 लख रुपया अव्हां जे लाइ कुझु बि न आहिनि जेकॾहिं ख़ुदा कारण फी सबिल्लाह तव्हां सिर्फ़ु सवाब ख़ातिर सही लाइ सिर्फ़ु 25 खां 30 लख रुपया महर फैमिली खे मां रिक्वेस्ट कंदुसि त हुतां जा ज़िमेदार बि आहिनि ऐं वोट बि वठंदा आहिनि हिननि सभिनी खानदाननि खां यकीन मुंहिंजे ख़्याल वोट तव्हां ॿिए कंहिंखे ॾींदा बि कोन हूंदो ऐं मथे कोन हूंदी जी बिल्कुलु सरदार हिन कहिड़ो ख़ुशी सां बि ॿुधाए सईद ऐं इहे सरदार जेकॾहिं हिन सईद जी ज़िंदगी बचाए विझनि त मां सम्झां थो इहे सरदार वाकई हक़ीक़ी सरदार थी वेंदा ऐं लॻंदो त पंहिंजी क़ौम सां पंहिंजे क़बीले सां पंहिंजनि सां मुहबत कनि था ऐं पंहिंजो ख़्यालु रखनि असेंबलियुनि जे फ्लोर ते बि वेठा आहिनि ऐं उन सां गॾो गॾु जेकॾहिं थोरी घणी हिमत कनि त फंड बि हूंदा आहिनि ज़कवात जा फंड हूंदा आहिनि ऐं उन सां गॾो गॾु घणा फंड हूंदा आहिनि गवर्नमेंट जा जेके पंहिंजे पाण नथा ॾियनि उन्हनि मां तव्हांखे ॾियारे सघंदा हीउ क्लिप जेको हिन महिल रिकॉर्ड पियो थिए न जेकॾहिं तव्हां में थोरी हिमत हुजे त हितां असांखां वठी करे तव्हां भले सोशल मीडिया ते हलाइजो मां डायरेक्ट रिक्वेस्ट थो कयां तव्हांजी महर ख़ानदान खे ऐं जेके सरदार आहिनि महर साहिबान उन सभिनी खे जेके एक्स सी एम बि रहिया आहिनि ऐं हिन वक़्तु करंट सिटिंग मिनिस्टर बि आहिनि ईअं आहे न अली नवाज़ खान महर आहे अली मोहम्मद महर आहे ऐं ॿी राजा खान महर आहे अली गौर ख़ान महर आहे त सभिनी खे मुंहिंजी इल्तिजा ऐं रिक्वेस्ट आहे सलाम सिंध जे हिन प्लेटफॉर्म तां त लग्ज़री लाइफ अलाह सां तव्हांखे हमेशह नसीबु करे पर हिन ग़रीब जी ज़िंदगी सिर्फ़ु बची पए त उहा वॾे में वॾो इनाम ऐं तोहफ़ो आहे तव्हांजे लाइ रमज़ान जे महीने में एतिरी इल्तिजा एतिरी रिक्वेस्ट आहे नंबर स्क्रीन ते हले पियो फॉर हेल्प सां ऐं उन लाइ तव्हां 0308-2592-634 ते कॉन्टेक्ट करे सघो था डायरेक्ट अदे सही सां ऐं जेकॾहिं को बि
मार फैमिली साहब जो पीआरओ पीएस या को भी दिसे तो काइंडली मैसेज जरूर पहुंचाजो ठीक है अस यो कर सकूं अस नेक तमन्नो दुआ तासा गदन इंशाल्लाह ताला जिक अल्लाह से चाहो उन पांजे हबीब महबूब जी सदके बे कै न कई तो कोनो को अल्लाह जो बानो अची विंदो को साहिब हाल अचनो जो ताजी हेल्प जरूर कद थैंक यू वेरी मच भाई अल्लाह से ताके सेहत दी ताजे ला गिफ्ट नंबर अदे दे छियो उन का पो ता रेस्ट कयो प्रोग्राम कंटिन्यू कंदासी शेफ फैसल मार्केट में अची वा शेफ फैसल मार्केट में अची वा पांजी दुकान ते मौजूद आ शेफ फैसल मीज़ान कुकिंग आज किचन में मौजूद है शाजिया के उनकी फॉर्मेट की खबर है अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम खुश आमदीद थैंक यू आई जे दर मसरूर से दुकान ते मौजूद है मीज़ान जी किचन में मीज़ान जी किचन में अच्छा पे तैयार थे डिफरेंट एकड़ो हलवो ठराए पियो गोठन में ठांदो है पहली का एकड़ो ठांदो छ पियो टिपिकल जेकर रेसिपी है के अट्टे जो हलवो कणक जे अट्टे जो हलवो ठीक कणक जे अट्टे जो हलवो कणक जे अट्टे जो हलवो है आही ट्रेडिशनल रेसिपी है त मा चाहे पियो के आज ये ठराए है ते अड्यो ठराए जे दुखी हुंदी है हर को नथो ठाई सके इन करे मा ये रख ठीक सो ऑडियंस कणक जे अट्टे जो हलवो गंदम के आटे का हलवा जेके गोठ में लेकिन सीरो लेकिन परफेक्ट रेसिपी जो ट्रेडिशनल होती कच्चा नहीं होना चाहिए अजी तो वडो मुकाबलो आ अच्छा मजी गाल ना पूरो महीनो रेसिपी असन जी सही न ठई आ आई अज जेके ने रेसिपी के सही न ठाइदो तो उन ते डंड लगंदो आहा उन के फाइन पे केनो पोंदो सोचे वडो फाइन ही होंदो गिफ्ट मा खणी विंदो भाई पक ठीक है गिफ्ट यार अज गिफ्ट वही खैर गिफ्ट तो मिजान जाए फोटो एक्स्ट्रा ही हुंदा है थोड़ा का जी जी नजर करते हैं हां चश्मा मुझे है मुझे आप दिख रही हैं आपके साथ बच्ची बैठी है सिर्फ अम्मा बैठी है और कितना देखूं मम्मी और ज्यादा देखूंगा आप बोलेंगे बच्चा गौर फरमा रहा है लगता है दूर की नजर के चश्मे लगाने पड़ेंगे हमें नहीं ना असा सबने के दिसो पया आए कणक जो छा ठाणो पूरा रेसिपी तो बताया लो हां सूजी जो नहीं ठाणो अट्टे जो ठाणो कणक जे अट्टे जो किथा आयो एडो कॉन्फिडेंट आयो ता त अच्छो अच्छा अच्छा अजला के सही कुछ सही न ठयो अच्छा हिकड़ी अदी हुन पासे ना क्या हो गया भाई मतलब एकड़ो अच्छे फोन हन पासे का एकड़ो इंदो एकड़ो हन पासे का इंदो वो मारिंदो जा छा ठाणो त खबर है कणक जे अट्टे जो हलवो करे ठायो है एक मिनट बहन और कौन मरीज ने लाइव तैयार थिन में याद है पक्का है शेफ फैसल छा हुकुम है अच्छा ना मोकले होने हां जी बिल्कुल अच्छो बार के बरा मेहरबानी ते विहार जो कणक जे अट्टे जो सीरो ठाणो है सीरो हलवो सीरो हलवो बई लब्स इस्तेमाल कर ने लक्सी टाइम सेव केनो जल्दी जल्दी फौरन माइक अप कर क्या है ताजो क्वेश्चन जी आए अभी जो क्वेश्चन है ठीक है अभी यही पढ़ेंगे कढ़ाई है चक्की हुंदी अच्छा चलिए ठाण शो का जो पार्ट तकरीबन 25 मिनट का है मिड में पढ़े एंड में पढ़े जब दिल करे अभी जो दिल करे जो मतलब ओके शेफ फैसल गाइड करे छियो ठीक है हाने भई अदियो हमारे हवाले है प्रेडिक्शन छ है तान छा तो लगे चैलेंज वाली भई देखो चाहिए ना सर थोड़ा फेस रीडिंग हो गया ता शेफ आयो है ता कॉन्फिडेंट लगन पयो है हाने दिसो ओ चेदी कॉन्फिडेंट मां बाकी है ही है हेलो ठीक है दिसो सो जी मीज़ान जे किचन में मीज़ान वार जो चोणा हर चीज मीज़ान में बहुत अच्छी लगती है इतनी सी अच्छी लगती है आपको असन अगर है सना सैयद है ए चुप जी रकताईना ये शौकन वलिताई बता जरा फता इश्कन फाताई तू इला हबीबी फहदा या कल्ब वरिफ़कन सल्ली अला मुहम्मद अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغاره را تعلق يبكي يسأل خالقه فاعطاه الوحي فاشرق
इकरा इकरा या मोहम्मद अस्सलामुअलैका या रसूलल्लाह अस्सलामुअलैका हबीबी या नबी अल्लाह अस्सलामुअलैका या रसूलल्लाह अस्सलामुअलैका हबीबी या नबी अल्लाह या रसूलल्लाह तुम हबीबी किबरिया हो और इमाम उल अंबिया हो दो जहां की पेशवा हो शफाई रोजी जजा हो रहमत लिल्लालमी हो और शफीउल मुज़नबी हो फज़ल रब से क्या नहीं हो बाद रब के बस तुम ही हो अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलामु अलैका हबीबी या नबी अल्लाह अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलामु अलैका हबीबी या नबी अच्छा उन सा गरुगर स्पीच कंपटीशन ठीक है तकरीर मुकाबलो कोई टॉपिक देंगे हम एक मिनट देंगे आपको एक मिनट में आपने स्पीच करनी है जो कॉन्फिडेंट है वो हाथ ऊपर कर जिनको स्पीच करने आती है तकरीरी मुकाबला सब कुछ करेंगी आपने नाद कंपटीशन भी कर लिया कोई एक चीज करें इस तरफ से कोई हाथ उठाने को तैयार है किसी को बोलना नहीं आता तकरीरी मुकाबला ये इतना बोलता कौन है फिर यहाँ पर जी एक एक मिनट की बात एक मिनट की बात है सबके हाथ उठने चाहिए और गिफ्ट बहुत अच्छा है हो सकता है आ जाएं आप भी आ जाएं और कौन है इंटरेस्टेड आ जाएं सर आ जाएं आपके लिए कौन सी गाड़ी भेजनी पड़ेगी मुझे क्या हुआ तकरीरी मुकाबला तकरीर काहे की करनी है तकरीर वजह से टॉपिक देना है और तकरीर करनी है एक मिनट में अगर मैं बोलूं भाई सबर तो सबर पे बोलना है मैं बोलूं गुस्सा तो गुस्से पे बोलना है और बहुत ही आसान से टॉपिक होगा आप बेफिक्र हो जाइए बहुत ही इजी होगा मौजू नहीं आपने पार्टिसिपेट कर लिया चलो भाई आ जाए मामू आ जाए सना माइक दीजिए जी मेरे भाई उस तरफ चले जाएं किधर बच्चे आ जाए भाई आ जाए अच्छा जी एक दो तीन चार पांच थोड़ा सा आगे आ जाएं अच्छा जी टॉपिक है सच्चाई ठीक है सच्चाई पे आपने एक मिनट बात करनी है स्पीच करनी है एक मिनट जैसे खत्म होगा आपको वाइंड अप करना पड़ेगा जी जिस भी ज़बान में आप करना चाहे पश्तो भी हिंदी दो इंग्लिश भी हिंदी दो बलोची भी हिंदी है मुख्य तो हिंदी है बाकी भी हिंदी खबर है जी 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 क्यों 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 आप तो जानते हैं भाई एक लो मिनट असांगे भी तो क्यों मिले ना आई असांगे क्यों देने वाला आ थोड़ा तेज है तेज है जी सही माइक वे जो पाजे आई ये खंग खिलने वाला सब थोड़ा खामोश जी बिस्मिल्लाह सिंधी में चवणी आहे त सच त बिठो नच ऐं हिन में काफ़ी उस्ताद बुखारी आहे शहर बि आहिनि सच जे हवाले सां त सच हिकिड़ी अहिड़ी शइ आहे जेका कॾहिं बि कूड़ ते कूड़ खां सच हिकिड़ी अहिड़ी शइ आहे जेका कॾहिं बि कूड़ ते हावी नथी थी सघे सदाई सच जो बोलबाला हूंदो आहे ऐं सच ॻाल्हाइण वारो माण्हू
कुदरत चेहरे में भी कुदरती हिकड़ी अलह जी तरफा भी कड़ी कशिश अची वेंदी आ सच तो वैसे भी सच हों चाहे केतरो भी उनके आदमी लिकायन कोशिश करे छुपाने की कोशिश करे लेकिन सच जो है वो हमेशा सच ही रहता है ठीक तो इसलिए आदमी को हमेशा सच बोलना चाहिए और सच का सहारा वो अल्लाह ताला को भी पसंद है और इससे इंसान की खुद की एक अच्छाई भी नज़र आती है 10 9 8 7 6 बस जब बोलना ही नहीं तो आगे देखो माइक आगे बात कर दे अच्छा ये क्या हो रहा है भाई क्या कर रहे हो बच्चे की जान लो चलो जी स्टार्ट सच बोलना एक बहुत अच्छी आदत है सच बोलने वाले की इलाके में इज्जत होती है और झूठ बोलने वाले की इलाके में इज्जत नहीं होती और सच बोलने से अल्लाह भी खुश होता है और माँ बाप भी जैसे कहीं दूर चले आए तो माँ बाप को सच बोलें झूठ नहीं बोलें और जैसे स्कूल जा रहे हैं स्कूल में जैसे छुट्टी कर ली टीचर को बोल रहे हैं भाई हम शादी में गए हुए थे और शादी में नहीं गए हुए थे आगे तो तुम सारी घर की बातें बता रहे हो सारे सारे तरीके बता आगे तो सारी घर की बातें की भी बता रहे हो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सच बोलने वाले से खुदा भी खुश माइक ऊपर उसकी रजा भी खुश सुभान और इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए बिल्कुल सच की राह पे चलना चाहिए हमारे मौला अली का कौल है सच का रास्ता हक का रास्ता है और सच बोलने वाले से खुदा भी खुश रहता है उसकी रजा भी खुश रहती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह ताला ने फरमाया झूठों पर अल्लाह की लानत है झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए हमेशा सच का साथ देना चाहिए यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि झूठी गवाही देने वालों पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा लिहाजा हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और सच का साथ देना चाहिए जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज के तस्दीक करने वाले यानी कि तस्दीक करने वाले सच बोलने वाले अबू बकर सिद्दीक थे और सिद्दीक का लकब भी उन्हें उनकी सच्चाई के ऊपर मिला था तो हमें लिहाजा सच्चों के साथ होना चाहिए और सच्चों का साथ देना चाहिए और यही हमारे आखरत के लिए बेहतर है हमें अपने ذاتی مفادات کے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے اور سچائی کا ساتھ دینا چاہیے یہی ہماری آخرت اور بھلائی کے لیے بہتر ہے پانچ سیکنڈ چلنے بس ہو گئے السلام علیکم وعلیکم السلام سچ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو چاہیے سچ بولے سچ پر راہ پر چلے سچ پر اگر کوئی بھی چلے گا تو وہ ایک اچھا انسان بن کر ہی زندگی گزارے گا اور معاشرے کے لیے اچھا کردار عطا کرے گا ہمارے ملک پاکستان کو میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جو ہماری حکومت کو نظر نہیں آتے اس میں جھوٹ 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 ہوتا ہے مسلمانوں کو چاہیے صرف سچائی پر عمل کریں کہ سچائی سچ بولیں گے تو اچھے کام ہوں گے اور برائی کا خاتمہ ہوگا اور ہر انسان کو چاہیے کہ انسان سچ 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 بولے کبھی جھوٹ نہ بولے کہ برائی صرف جھوٹ سے ہی پیدا ہوتی ہے اور اچھائی صرف سچ سے پیدا ہوتی ہے ہم انسانیت کو مسلمانوں کو سچ پر قائم رہنا چاہیے آج کل کے معاشرے میں جھوٹ بچوں کو جھوٹ جھوٹ سکھایا جاتا ہے سچائی نہیں چھپائی جاتی چلیں جی بہت شکریہ تھینک یو لیکن آڈینس کا فیصلہ ہوگا مگر حق اور سچ کا فیصلہ ہوگا اور سچ میں نے اس لیے آج رکھا ہے کہ آپ کتنا سچ بولتے ہیں رمضان شریف میرے بھائی چھپ کیوں گئے سر آگے تو جس کے لیے کلپ کریں گے جی اس کے لیے ایک مرتبہ کلپ کریں اگر دو مرتبہ جو اچھا لگ رہا ہے اس کے لیے کریں مگر حق اور سچ کے ساتھ سب سے پہلے اس بہن نے اسپیچ کی کیسے لگی اس کی اور سیکنڈ والی اس طرف بھائی اچھا یہ اور وہ بھائی میرے یہ دوست فیصلہ ہو گیا ون سائیڈ ہو گیا یہ جیت گئی ہے نا جی لے ہے نا چلیں جی ونر کے لیے گفٹ لے کر آ جائیں سچ نے آپ کا ساتھ دیا اور 24 اورز ڈاٹ پی کے کے والوں کی طرف سے گفٹ ہے پر آپ کے لیے تھینک یو ویری مچ اور آپ اپنی سیٹ پہ جا سکتی ہیں یہ بھی ایسے ہی آپ کیوں غور فرما رہی ہیں ان پہ ایسے ہی ہے ایک ہی جیسے ہیں دل خوش کر کے اور دل بڑا سیکنڈ پہ کون ہے یہ والے چلیں جی 24 نہیں ایپل کی طرف ون ایپل کی طرف سے ون ایپل ٹوٹل آئی ٹی برانڈز کی طرف سے جی جی صحیح گابا نیشنل ہوم اپلائنسز کی طرف سے گفٹ ہے پر آپ کے لیے اور ایکڑو بیو کھنڈی نورس کی طرف سے آپ کے لیے اگین نورس کی طرف سے نورس والے کی طرف سے گفٹ نمبر آپ کے لیے نورس کہوں گی مشروب سب سے اچھا ہے اور صبح شام دن رات یہ پیو صحت بناؤ اور گھر کی باتیں نہیں بتایا کرو نہیں یہ سارے جو اسکول میں سارے ٹوٹ کے آزمائے تھے نا وہی بتا رہا تھا اچھا جی تو بریک کا ٹائم ہو چکا ہے
व्यूअर्स ब्रेक डाउन वधंदासीं किचन में मतलब मुकाबलो जारी आहे ब्रेक खां पोइ खबर पवंदी त अॼु के हिन मुकाबले जी विनर केर रहंदी आहे सो सलाम रमज़ान में ब्रेक जो टाइम आहे ब्रेक खां पोइ मिलूं था ॾिसंदा रहो सलाम रमज़ान